कॉन्ग्रेचुलेशन वेब दुनिया, आपके 18 साल पूरे हुए हैं एंड ऑल आई कैन से इज गुड लक फॉर फ्यूचर और ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू। जब भी दो फिल्में समान दिन रिलीज होती है सिनेमा घर को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। गोलमाल अगेन बनाम सीक्रेट सुपरस्टार में बंटवारे को लेकर तलवारें खिंच जाएगी, ऐसा कभी नहीं सोचा गया था क्योंकि आमिर की फिल्म स्टार कास्ट से लेकर तो बजट के मामले में छोटी थी। माना गया कि 70% सिनेमाघर गोलमाल अगेन को मिलेंगे और 30% सीक्रेट सुपरस्टार को। सूत्रों के अनुसार आमिर खान ने अपने स्टारडम का प्रभाव बताते हुए 50% सिनेमाघर पर अड़ गए। उनकी ये मांग भारत की लीडिंग मल्टीप्लेक्सेस चेन्स से थी जहां से बहुत ज्यादा व्यवसाय होता है। गोलमाल अगेन वाले 50% सिनेमाघर के लिए राजी नहीं थे। समय नजदीक आया तो किसी तरह हल निकाला गया, लेकिन आमिर की फिल्म के लिए लीडिंग मल्टीप्लेक्स चेन ने अपने शो बहुत कम नहीं किए। आमिर ने अपनी फिल्म एक दिन पहले ही रिलीज कर दी और इसकी ओपनिंग औसत दर्जे की थी। गोलमाल अगेन एक दिन बाद प्रदर्शित हुई। गोलमाल अगेन इन मल्टीप्लेक्स में जहां जा लगी हाउसफुल हो गई और कई दर्शकों को टिकट के अभाव में निराश होकर घर लौटना पड़ा। दूसरी ओर आमिर की फिल्म में दर्शकों की संख्या लगभग 40% थी। इस वजह से गोलमाल अगेन के मेकर्स बेहद नाराज हुए। दूसरे दिन यानी शनिवार को भी यही आलम रहा। आखिरकार शनिवार शाम को आमिर खान अपनी फिल्म के शो की संख्या कम करने के लिए राजी हुए और गोलमाल अगेन के शो बढ़ाए गए। इस चक्कर में गोलमाल अगेन के हाथ से पहले दो दिन का व्यवसाय छिटक गया। अनुमान के तहत माना जा सकता है कि गोलमाल अगेन को इस विवाद के कारण 8 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।